फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी फॉर स्टूडेंट्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है गवर्नर जनरल और वाइसराय। अब ये बहुत कंफ्यूजन होता है, गवर्नर जनरल का क्या मतलब है, वाइसराय का क्या मतलब होता है, तो एक छोटी सी स्टोरी से हम समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, पहले ये था बंगाल। जब अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल को जीत लिया तो जो अंग्रेज संसद था, जो वहां के राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। इस प्रतिनिधि का नाम रख दिया उन्होंने गवर्नर। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ सालों बाद उन्होंने बंबई उनको शादी में दहेज के रूप में मिल गया, तो बंबई का भी उन्होंने एक क्या बना दिया, गवर्नर। कुछ दिनों बाद मैसूर के युद्ध हुए और उन्होंने पूरे के पूरे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सब पे भी कब्जा कर लिया कुछ पार्ट्स को छोड़ के। फिर यहां पे भी उन्होंने एक क्या नियुक्त कर दिया, गवर्नर। फिर बाद में क्या हुआ, तीन अलग अलग जगह के कभी ये फोन कर रहे हैं, कभी ये फोन कर रहे हैं, कभी ये फोन कर रहे हैं, कभी ये भेज रहे हैं, कभी वो भेज रहे हैं, बड़ी दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों को ही मिला दिया और इन तीनों को मिला के एक नया बना दिया जिसको नाम दिया गया गवर्नर जनरल। फिर क्या हुआ, उसके बाद 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया और उस समय कहा गया सारी की सारी बुराई आके गवर्नर जनरल के ऊपर थोप दी गई कि तुम ही ने सब कुछ किया। तो इनके पद को क्या किया गया, इनका जो सीट था उसको समाप्त कर दिया गया, एक नया सीट सामने आ गया वाइसराय, मतलब केवल नाम बदल गया। जैसे पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नाम को हम बदल दें, प्रेसिडेंट के नाम को महाराज कर दें, कुछ दिन बाद राजा जी कर दें, कुछ दिन बाद हम पैगंबर कह दें, तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हम बोल दें, तो वही होता है, बस नाम बदल गया। खैर, ये कहानी थी, अब इसको अच्छे से अभी मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जब बंगाल को जीता अंग्रेजों ने तो बनाया गया बंगाल का प्रथम गवर्नर। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने भारत के कई राज्यों को जीत लिया तो बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, भारत नहीं थोड़ी बंगाल, अभी मैंने बताया ना पहले बंगाल से था, फिर मद्रास, बंगाल और बॉम्बे तीनों को मिला दिया गया तो बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसको तो कहा तो बंगाल का ही गया लेकिन एक्चुअली वो फिर बन गया भारत का गवर्नर जनरल। फ्रेंड्स, एक चीज था तो इसकी पूरी थी कि पहले बंगाल था, बंबई था और मद्रास था, पहले केवल बंगाल को जीता तो बन गया बंगाल का प्रथम गवर्नर। उसके बाद जब इन तीनों को जोड़ दिया गया तो बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल, जो तीनों को ही समाता था। फिर क्या हुआ, भारत के उत्तरी और दक्षिणी भाग को भी जब अंग्रेजों ने जीत लिया तब बन गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, नाम में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। उसके बाद हो गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो भैया बन गया भारत का वाइसराय, क्योंकि जो सत्ता थी पहले वो गवर्नर जनरल में थी, जो ये कह देता था बस वही होगा। 1857 की क्रांति में क्या हुआ, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और पूरा का पूरा शासन चला गया ब्रिटेन की महारानी के हाथों में। ठीक है, महारानी के हाथों में जब चला गया तब बन गया भारत का वायसराय। वायसराय का मतलब होता है मंत्री, क्या होता है, मंत्री, प्रमुख मंत्री। ये महारानी का प्रमुख मंत्री था जो भारत की सारी चीजों को संभालता था। उसके बाद 1947 में जब भारत स्वतंत्र होना हुआ तब बन गए भारत स्वतंत्र हो गया। उसके बाद क्या हुआ, भारत के फिर से वायसराय के पद को खत्म करके गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो बन गया स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। उसके बाद क्या हुआ,
जब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए, ये इंडियन नहीं थे, ये क्या थे, अंग्रेज थे। फिर बन गए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, अब ये थे कौन कौन, मेन पेपर में पूछा जाता है। तो जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध लड़ा था, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद जब इन्होंने तीनों प्रेसिडेंसियों को आपस में मिला लिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ये बना वॉरेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। उसके बाद जब भारत का गवर्नर जनरल बना, उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया, तब बन गए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए फ्रेंड, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनके साथ राजा राम मोहन राय ने मिलकर सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सब कुछ पार, क्या कहते हैं, पास करवाया। ठीक है, उसके बाद जब 1857 की क्रांति हो गई, तब बने वायसराय लॉर्ड कैनिंग, यही गवर्नर जनरल की लास्ट थे। एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल, मतलब जो प्रथम होगा वो किसी ना किसी चीज का अंतिम होगा। ठीक है, उसके बाद ये बन गए लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाई थी या स्वतंत्रता के समय जिनको बनाया गया था, माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, उनको बनाया गया। उसके बाद क्योंकि ये अंग्रेज थे, उसके बाद भारत ने खुद के भारतीय गवर्नर जनरल बनाया, जिनका नाम है राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक और याद कर लीजिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था 1919 में, पूछा जाता है वो किस गवर्नर जनरल या वायसराय गवर्नर जनरल, वायसराय किस वायसराय के समय हुआ था, तो याद कर लीजिए जलियांवाला बाग ये हुआ था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद बहुत विद्रोह हुआ, विभाजन हुआ फिर जोड़ दिया गया, तो ये है लॉर्ड कर्जन। उसके बाद आप जानते हैं गांधी जी इरविन समझौता हुआ था, इरविन ही लगभग 1930 समय भारत के गवर्नर जनरल थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछूंगा, भारत में ऐसा गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था जो भारतीयों को बहुत प्यारा था। सोचिए, ये अंग्रेज गवर्नर जनरल है, करेंगे तो अंग्रेजों की ही मन की, लेकिन फिर भी एक गवर्नर जनरल ऐसा भारत में हुआ जो भारतीयों को बहुत प्यारा था, उन्हें हर वो काम किया जो भारतीयों के हित में था, तो बताइए कौन। चलिए मैं बताता हूं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, ये भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास इतनी ही, थैंक यू।